टुडे आई होप दैट एवरीवन इज फाइन। मैं प्रवेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में हार्टली वेलकम करता हूँ। और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के माध्यम से टॉपिक नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव फुल इन्फिनिटिव वर्सेस बेयर इन्फिनिटिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव, दोनों इन्फिनिटिव में क्या डिफरेंस है इस पर डिस्कस रहेगा। गाइस यदि आप चाहते हो कि वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रीप इस वीडियो पर बने, आपके लिए पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो प्लीज इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसिवली वॉच एंड कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा। एट लास्ट यदि आपको लगता है कि प्रॉपर्ली समझ आ गया तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाले नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। So full infinitive versus bare infinitive, very very important concept and it creates confusion in the mind of students most of the time. तो यहाँ हम discuss कर रहे हैं अभी full infinitive versus bare infinitive, ये बहुत ही important concept है क्योंकि verb की two types होती है finite non finite. तो non finite के अंदर हमारा full infinitive और bare infinitive के बीच का difference जो होता है उस पर हम discuss करने वाले हैं, okay? So please बने रहेगा मेरे साथ, देखते रहेगा, बहुत ही important video है, बहुत ही important concept बना रही है, तो प्लीज जरा भी स्किप न कीजिएगा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और इस कॉन्सेप्ट की बेटर क्लैरिटी के लिए आप इसको वॉच करते रहिएगा, ओके? देखते हैं स्टूडेंट्स, फुल इन्फिनिटिव इज नाउन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फुल इन्फिनिटिव को हम टू इन्फिनिटिव के नाम से भी जानते हैं, ऑलराइट? इसको हम टू इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। Bare infinitive is now the name of direct infinitive. Bare infinitive को students हम direct infinitive के नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम direct infinitive बोल सकते हैं। देखिए infinitive का बहुत ज्यादा variation है, काफी expanded topic है non finite. लेकिन non finite के अंदर हम अभी two infinitive versus direct infinitive यानी के full infinitive versus bare infinitive के difference पर discuss कर रहे हैं, all right? तो हम फुल इन्फिनिटिव को स्टूडेंट्स 2 प्लस वी 1 इसका स्ट्रक्चर रहेगा, इसको हम 2 इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं, बेयर इन्फिनिटिव को हम डायरेक्ट इन्फिनिटिव भी कहते हैं, ऑलराइट? स्ट्रक्चर रहेगा ओनली फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज नाउ डायरेक्ट इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इज नाउ 2 इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव, ऑलराइट? दोनों का हिंदी मीनिंग की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो सेम होता है, यानी कि फुल इन्फिनिटिव को उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, उसी सेंस में यूज किया जाता है जिस सेंस में हम बेयर इन्फिनिटिव को यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ इट देयर इज अ डिफरेंस, उसके बाद भी डिफरेंस है। डिफरेंस ये रहेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करने के लिए जो हेल्पिंग हमको इससे पहले चाहिए वो डिफरेंट होता है, और 2 प्लस वी 1 जो हम यूज करते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, लेकिन सेंस दोनों की सेम ही बनती है, ऑलराइट? हिंदी दोनों की सेम है, यानी कि एक्शन is not completed when an action is not completed, in that case we have to use 2 plus v1 and v1, yani ki jahan action hona baki hai and action is yet to happen, action is not completed, we have not experience of an action, that is full infinitive and bare infinitive. dono hi infinitive ko hum wahan use karte hain students jahan action hona baki hota hai, all right? क्योंकि ये नॉन फाइनाइट का हिस्सा है, जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, जो मेन एक्शन है, जो हम सेंटेंस बनाएंगे वहाँ एक मेन एक्शन रहेगा, उसके बाद सेकंड हमारा जो है नॉन फाइनाइट यानी कि एक सेमी वर्ब का काम करेंगे, तो गाइस ये हमारे नॉन फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट जो है उसमें जो एक्शन है वो होना बाकी होता है, ऑलराइट? यानी कि मेन एक्शन हो चुका है और ये एक्शन होना बाकी है, सेंटेंस से एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इन्फिनिटिव के अंदर अगर हम बेयर इन्फिनिटिव यूज कर रहे हैं या हम फुल इन्फिनिटिव यूज कर रहे हैं तो वहां एक्शन होना बाकी है, एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड एंड वी हैव नॉट एनी एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्शन, ओके? एंड एक्शन इज येट टू हैपन, ऑलराइट? अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जहां हमको सिर्फ फुल इन्फिनिटिव यूज करना है, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जहां पर हमको बेयर इन्फिनिटिव यूज करना है, और काफी जगह हम दोनों को एक साथ भी लगा सकते हैं, एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, एट वन टाइम नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन उसी वर्ब के साथ हम बेयर लगा सकते हैं, उसी वर्ब के साथ हम फुल इन्फिनिटिव लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का हिंदी एक ही होता है। जैसे कि सजेस्ट स्टूडेंट्स,
सजेस्ट, ये हमारे पास ऐसी वर्ब है जो कि कॉजिटिव, बहुत सारी होती है कॉजिटिव वर्ब. यस, सजेस्ट है, एडवाइस और रिकमेंड, ऑर्डर, कमांड, इंसिस्ट, रिकमेंड हो चुका, रिकमेंड, अर्ज, एंड यू कैन से दैट इम्प्लोर, सजेस्ट, एडवाइस, रिकमेंड, ऑर्डर, कमांड, इंसिस्ट, अर्ज, इम्प्लोर, बहुत सारे हमारे पास कॉजिटिव वर्ब है स्टूडेंट्स जहां हम यूज करते हैं, जैसे कि गेट हमारे पास है, हैव हमारे पास है, हेल्प होता है, या यू कैन से दैट लेट, अलाउ, एंड बिड, मेक, ऑब्लाइज, कंपेल, कन्विंस, एंड यू कैन से दैट फोर्स. Students, logic is here that you need not cram these verbs. After these verbs, we use full infinitive and bare infinitive. It is a realistic thing. But it means very simple process is here that we don't need to learn these type of verbs heartily. Okay? We have to understand these verbs only, alright? Suggest, advise, recommend. ये सभी की सभी verbs का जो nature है students, वो समझना है. तो आपको डेफिनेटली एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी अपने आप हो जाएगा. ये सभी की सभी वर्ब ऐसी है जिन वर्ब्स का जो सब्जेक्ट होता है, द सब्जेक्ट ऑफ दीज वर्ब्स, डू नॉट डू एनीथिंग, कैन से दैट द सब्जेक्ट्स ऑफ दीज वर्ब डू नॉट डू एनीथिंग. ओके, ही, सी, इट, प्रेशराइज, सेकंड, थर्ड पर्सन टू डू समथिंग. ऑलराइट, यहां जो सब्जेक्ट रहेगा इन सभी वर्ब्स का, सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता है. ऑलराइट, दूसरे सब्जेक्ट को प्रेशराइज करता है, कन्विंस करता है कुछ काम करने के लिए. तो इनको हम पॉजिटिव वर्ब बोल देते हैं. पॉजिटिव वर्ब होती क्या है, यानी कि द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक ऐसी वर्ब जिसका सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कॉजेस समवन एल्स टू डू समथिंग, यानी कि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करे, कारण बने दूसरी सब्जेक्ट से काम करवाने का. जैसे मैंने कहा कि सजेस्ट, मैंने किसी को सुझाव दिया, मैंने खुद काम नहीं किया, मैंने सुझाव दिया कि वो पढ़े. तो यानी कि जब सब्जेक्ट किसी वर्ब का खुद काम ना करे, दूसरे को सुझाव दे या फिर एडवाइस दे या फिर उसको ऑर्डर दे, कमांड दे, अलाउ करे, उसको फोर्स करे, कन्विंस करे काम करने के लिए, तो ऐसी वर्ब को हम पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं. और इन वर्ब्स के बाद हम फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं. ऑलराइट, अब इन्हीं वर्ब के साथ हम फुल इन्फिनिटिव यूज करते हैं और इन्हीं वर्ब के साथ हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, तो डिफरेंस क्या है वो समझना स्टूडेंट्स. यानी कि फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव वहां यूज होता है जहां एक्शन होना बाकी है, और इन सभी वर्ब्स का जो सब्जेक्ट होता है वो खुद कुछ नहीं करता. द सब्जेक्ट ऑफ दीज वर्ब्स डू नॉट डू एनीथिंग. ओके, यानी कि यह प्रेशराइज करता है, कन्विंस करता है, एंड यू कैन से दैट फोर्स करता है उस चीज को कि भाई ये काम किया जाए. तो जब किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट खुद कुछ ना करे, दूसरे सब्जेक्ट को प्रेशराइज करे, कन्विंस करे, फोर्स करे कि भाई ये काम कीजिए, तो ऐसे केस में हम ये वर्ब यूज करते हैं. और इन वर्ब के बाद हम फुल इन्फिनिटिव और बेयर यूज करेंगे. ओके, ऑलराइट, अभी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. आई थिंक दैट यू हैव नॉट एनी डाउट. फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन शेयर योर डाउट इन कमेंट बॉक्स. ओके, आई विल चेक. क्लियर टू ऑल? थैंक यू. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. वेरी वेल, जैसे कि सजेस्ट की बात करते हैं. आई सजेस्ट him blank there. So students, please focus here and try to understand the clarity of the concept that which infinitive can be used here in the blank. I suggest, मैं suggest करता हूँ, ये हमारी main verb है जिसको हम finite verb कह सकते हैं. The subject of this finite verb, the subject of this finite verb does not do anything. He convinces him, he gives him suggestion. ये इसको सुझाव देता है, ये खुद कुछ नहीं करता है, ये इससे काम करवाएगा. तो him is the object of this verb, I is the subject of this verb, and him is the object of this verb. But option is here that to go and go and going and gone
वी हैव डिस्कस्ड एंड वी आर डिस्कसिंग ऑन फुल इन्फिनिटिव एंड बैक इन्फिनिटिव, इसलिए हमको इन ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स बताइए अब यहाँ क्या फिल किया जाए, यानी कि आई सजेस्ट हिम, उसको सुझाव देता हूँ टू गो देयर या फिर गो देयर, वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता है, इससे काम करवा रहा है, ऑलराइट, सजेस्ट, तो यहाँ हम फुल इन्फिनिटिव को प्रेफर करते हैं टू गो, यानी कि इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या हुआ, हिम, यानी कि इस सद्भाव का डोर क्या हुआ, हिम, तो हिम इज द डोर ऑफ दिस वर्ब एंड आई इज द डोर ऑफ दिस वर्ब, यस, यानी कि आई इज द सब्जेक्ट ऑफ सजेस्ट एंड हिम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सजेस्ट एंड हिम इज द सब्जेक्ट ऑफ टू गो, यस, जाने का किसने किया, हिम ने किया, तो ये जो हिम है ये सब्जेक्ट इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ, ये खुद नहीं गया, इसने इसको कहा, सुझाव दिया कि आप वहां जाइए, ऑलराइट, तो यहां हमने टू इन्फिनिटिव यूज करेंगे, ऑलराइट, इसी सेंटेंस में स्टूडेंट्स हम बेयर इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां आपको कुछ ध्यान रखना होगा, देखिएगा, यदि हम इसको ऐसे लिखें कि आई सजेस्ट हिम दैट ही ब्लैंक देयर, आई सजेस्ट हिम दैट, here is very important thing that is being noticed by you here, that yadi aapko students that conjunction milta hai, yadi aapko positive verb ke baad object aur uske baad conjunction that milta, particularly that, to aapko definitely yahan bare infinitive use karna hai, to go and go, difference in between these two that you have to select only go, all right, bare infinitive use karna hai, difference is there that, अब आपको लग रहा है कि he के बाद तो goes आना चाहिए, okay? लेकिन students ये time के pressure से, time के barrier से बिल्कुल free होता, free from the boundation of time, क्योंकि go जो है ये non-finite है, non-finite का infinitive portion है, okay? और infinitive portion के अंदर हम समझते हैं, पहले से ये समझ चुके हैं और ये आप समझ रहे हो कि non-finite का जो infinitive portion है, उसके अंदर जो बेर पड़ रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, कभी भी कोई भी वर्ब जो है वो टाइम से और सब्जेक्ट से बदलती नहीं है, यानी कि टाइम से, टेंस से और सब्जेक्ट से ये बिल्कुल फ्री होती है, अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो ये गोज बन जाता, लेकिन ये टाइम से बिल्कुल फ्री है, ऑलराइट, सब्जेक्ट के प्रभाव से बिल्कुल फ्री है, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट वर्ब वही होती है जो समय के हिसाब से नहीं बदलती है, तो ही गो देयर, और ये जो वर्ब है गो, ये नॉन फाइनाइट बेर इन्फिनिटिव है, इसलिए ही गोज नहीं हो सकता, ऑलराइट, यदि ये ही गोज होगा तो ये जो सब्जेक्ट है ये रियली इस वर्ब का सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहां पर एक्शन का कंप्लीशन नहीं दिखाया गया है, यहां पर एक्शन का कंप्लीशन नहीं है, यहां पर स्पीकर का इंटेंशन बताया गया है, यानी कि आई सजेस्ट हिम, मैं उसको सुझाव देता हूं दैट ही गो देयर, कि वह वहां जाए, तो ये खुद नहीं जाता है, ही खुद नहीं जाता है, आई ही को सुझाव देता है तब ये जाता है, तो ये जो वर्ब है स्टूडेंट्स, इसको आप बोल सकते हो वर्ब मूड, ये वर्ब मूड का काम कर रही है, या फिर आप स्पीकर का इंटेंशन, इट टेल्स अस द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर हियर, ऑलराइट, स्पीकर इंटेंशन इज बी टोल्ड हियर बाय इट, सो गो इज यूज्ड हियर टू टेल अस इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, यू कैन से दैट गो इज नॉन फाइनाइट बेयर इंफिनिटिव, ओके, ये बेयर इन्फिनिटिव है, ये टाइम और सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलता है, उसके बाद जो बेयर इन्फिनिटिव होता है स्टूडेंट्स, वो वर्ब मूड का काम करता है, यानी स्पीकर का इंटेंशन बता रहा है कि आई सजेस्ट हिम, कि आई का जो इंटेंशन है वो क्या है, सुझाव देने का, उसने सुझाव दिया उसे कि वह जाए, तो इस प्रकार का जो इंटेंशन होता है स्पीकर का, वर्ब मूड का काम करता है ये बेयर इन्फिनिटिव, ऑलराइट, ऐसा कार्य शुड के द्वारा भी किया जा सकता है, यानी कि जितने भी मॉडल्स हमारे पास है वो सभी के सभी एक्शन का जो कंप्लीशन नहीं हुआ है, यानी कि एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, उसको शो करते हैं, और मॉडल्स के बाद हमेशा हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, यानी कि जितने मॉडल्स हमारे पास है 13 एंड हैज टू हैव टू हैड टू इंक्लूडेड 16 होते हैं, तो मॉडल्स के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, यानी कि मॉडल जो है वो आपको बताते हैं कि एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड एंड एक्शन इज येट टू हैपन, ऑलराइट, तो यहां पर हम मॉडल भी यूज कर सकते हैं that he should go there is also right and he go there all right, okay,
क्योंकि यहाँ बेयर इंफिनिटिव है, ये बेयर इंफिनिटिव जो है स्टूडेंट्स ये वर्ब वुड का काम कर रहा है, ये स्पीकर का इंटेंशन बता रहा है, ये टेंस के बैरियर से फ्री है, ओके, टेंस का कोई प्रेशर नहीं है इसके ऊपर, टेंस से फ्री है बिल्कुल। तो यहाँ हम शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, ओके, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म इज ऑल्सो यूज टू टेल द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। तो इस प्रकार से यदि कंजंक्शन हमारे पास दैट है तो ही हम बेयर इंफिनिटिव यूज करेंगे, यदि कंजंक्शन दैट नहीं है तो गाइस फिर हम यहां टू प्लस वी वन यूज करेंगे। ऑलराइट, यस, हैव यू अंडरस्टूड इट? नो डाउट? और देखते हैं स्टूडेंट्स, बनाइएगा, एग्जांपल आपके सामने है। सी रिक्वेस्टेड मी दैट आई हिम, ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट हेल्प, सेकंड हेल्प्स, एंड थर्ड टू हेल्प, एंड फोर्थ कैन से दैट हेल्पिंग। ये हमने डिस्कस नहीं किया, जेनरेट की हम बात नहीं कर रहे। तो सी रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, दैट की आई हिम। तो गाइस अभी देखिए कंजंक्शन हमारे पास दैट है और हम डिस्कस कर रहे हैं फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव पर। तो जहां कंजंक्शन हम दैट यूज कर रहे हैं तो वहां ऑप्शन सिलेक्टेड है कि हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करने वाले हैं, लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा हो कि हम हेल्प्स यूज कर, नहीं हेल्प्स तो यहां यूज नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। यस, यदि हम यहां ही सी इट यूज करते हैं, समवन समबडी एवरीबॉडी समवन यू कैन से दैट, तो हम हेल्प्स तब भी यूज नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि हेल्प्स तो इसलिए यूज नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी, जैसे कि हमने पीछे पढ़ाया, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी है तो भी हम आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि हम बेयर इन्फिनिटिव पढ़ रहे हैं, और बेयर इन्फिनिटिव जो होता है वो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर और टाइम से फ्री होता है, ओके। यदि हम यहां लिखें कि सी रिक्वेस्टेड हिम ही, तो हम हेल्प्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यदि हमने हेल्प्स लिखा तो इस एक्शन का ये सब्जेक्ट हो गया, डूअर हो गया, ऑलराइट, और यहां हम एक्शन का कंप्लीशन दिखा नहीं रहे हैं, यहां हम सिर्फ वर्ब मूड दिखा रहे हैं, स्पीकर का इंटेंशन दिखा रहे हैं, ऑलराइट, कि वह खुद काम नहीं करता है, सी ने उसको सुझाव दिया तो वह काम करता है, ऑलराइट। तो अब यहां हमारा सब्जेक्ट जैसे कि आई हैव, और यहां हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव मैसेज सी सजेस्टेड मी, और सब्जेक्ट इज हियर आई, सी रिक्वेस्टेड मी दैट आई हेल्प्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हेल्प्स हम पहले भी यूज नहीं कर सकते, ही के साथ भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा बेयर इंफिनिटिव है। सो आई हेल्प हिम, तो आई हेल्प हिम बेयर इंफिनिटिव यूज किया जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आई शुड हेल्प हिम। शुड जो मॉडल है, मॉडल जो भी स्टूडेंट्स, वो सभी के सभी मूड बताते हैं, वह मूड का काम करते हैं, स्पीकर के इंटेंशन का काम करते हैं, और एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है इस सेंस को शो करते हैं, एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड इस सेंस को शो करते हैं, ऑलराइट। तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ओके। सो एक एग्जांपल और बना लेते हैं और आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ओके, फोकस कीजिएगा, वेरी सिंपल। दे इंसिस्टेड मी क्रिकेट, दे इंसिस्टेड मी, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, मुझसे आग्रह किया, दे इंसिस्टेड मी, ऑप्शन इज हियर टू प्ले एंड प्ले, सो वी हैव टू यूज हियर ओनली टू प्ले, क्योंकि यहां पर कोई कंजंक्शन नहीं है दैट। वैसे टू प्ले का मीनिंग भी यही कहता है कि एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, और प्ले का मतलब भी यही है कि एक्शन इज नॉट completed. In spite of it, we cannot use here play in this context because we don't find here conjunction that. यदि यहाँ conjunction that होता, फिर हम यहाँ play use कर सकते थे. लेकिन यहाँ conjunction that नहीं है, इसलिए हमको to play use करना है. दोनों का हिंदी एक ही है कि action पूरा नहीं हुआ है. फिर भी हम यहाँ सिर्फ to play use करने वाले हैं because we have not any conjunction here that we have to use, especially to infinity. All right? So, यहां सिर्फ टू इंफिनिटी यूज रहेगा, टू प्ले। दे इंसिस्टेड मी टू प्ले क्रिकेट, उन्होंने मुझे आग्रह किया, मुझसे रिक्वेस्ट किया, इंसिस्ट किया, मुझ पर जोर दिया, आग्रह किया मुझसे कि मैं खेलूं क्रिकेट, ओके? तो यहां आपको टू प्ले यूज करना है।
क्योंकि इन सभी वर्ब्स, ये सभी के सभी वर्ब्स पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव वर्ब्स का मतलब मैं आपको बता चुका स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट कभी खुद काम नहीं करता, दूसरे से काम करवाता है, या तो उसको रिक्वेस्ट करके, सुझाव देके, कन्विंस करके, ऑर्डर देके, कमांड देके, ओके, ये किस प्रकार से वो काम करवाता है, ऑलराइट। और यहां हम जो वर्ब यूज कर रहे हैं, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दे इज द सब्जेक्ट ऑफ इंसिस्टेड एंड मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो नाउन फाइनाइट होते हैं स्टूडेंट्स, वो नाउन का भी काम करते हैं, एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, एडवर्ब का भी काम करते हैं, और इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव, वेयर इन्फिनिटिव, ये नाउन का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी, एडवर्ब का भी, कॉम्प्लीमेंट का भी। लेकिन यहाँ ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू प्ले एक नाउन का काम कर रहा है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ओके। अगर मैं क्रिकेट को हटा देता हूँ तो सेंटेंस ये भी कंप्लीट है, दे इंसिस्टेड मी टू प्ले, उन्होंने मुझे आग्रह किया कि मैं खेलूं, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ क्रिकेट यूज कर रहा हूँ तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है और टू प्ले यहाँ पर वर्ब हो गया, यानी कि दे इंसिस्टेड को उन्होंने आग्रह किया मुझसे, मी इज द डूअर ऑफ दिस वर्ब, तो मी के लिए ये वर्ब, इस वर्ब का डूअर कौन हुआ, मी, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिकेट, क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ टू प्ले एंड मी इज द सब्जेक्ट ऑफ टू प्ले एंड दे इज द सब्जेक्ट ऑफ इंसिस्टेड। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि दे इस वर्ब का सब्जेक्ट है और मी इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट मी है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, ऑलराइट। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी हम यूज कर सकते हैं पॉजिटिव वर्ब्स के बाद टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। हाँ, यदि मैं यहां पर दैट यूज करता हूं, यदि किसी कॉन्टेक्स्ट में हम ऐसा लिखें कि दे इंसिस्टेड मी दैट आई क्रिकेट, तो यहां पर फिर हमको प्ले यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दैट कंजंक्शन पाया है, जहां दैट कंजंक्शन यूज होता है पॉजिटिव वर्ब के बाद, वहां हम प्ले यूज करते हैं, ऑलराइट। यानी कि कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं लेकिन वो बेयर रहेगी हमारी, ऑलराइट। तो ये डिफरेंस था फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव में, क्योंकि स्टूडेंट्स चाहे फुल इन्फिनिटिव हो चाहे बेयर इन्फिनिटिव हो, वो एक सेमी वर्ब का काम करता है, यानी कि वर्ब एज वेल नाउन का काम करता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कि मी प्ले क्रिकेट, यू कैन से दैट, तो मी सब्जेक्ट था, टू प्ले क्रिकेट, तो टू प्ले वहां पर वर्ब का काम कर रही थी और क्रिकेट ऑब्जेक्ट था। उसी प्रकार से जो हमारा नॉन फाइनाइट है, वो कभी तो वर्ब बन जाता है, कभी वो नाउन बन जाता है, ऑलराइट। वो सेंटेंस में उसके प्लेस को चेक करना पड़ता है कि यहाँ ये वर्ब बना हुआ है या फिर ये नाउन बना हुआ है। जैसे हम डिस्कस करते हैं अभी, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, तो वॉन्ट सब्जेक्ट के जो नजदीक होता है वो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है, सब्जेक्ट के नजदीक हमेशा फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट को हम मेन वर्ब बोलते हैं, और उसके बाद जो सेकेंड वर्ब होता है वो हमारे पास नॉन फाइनाइट होता है। क्या होता है, नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट को हम कभी मेन वर्ब में काउंट नहीं करते, ये सेमी वर्ब होता है। सेमी वर्ब यानी कि इसमें कुछ क्वालिटी वर्ब की होती है, कुछ हमारी नाउन की होती है। अब देखिएगा, आई इज द सब्जेक्ट ऑफ वॉन्ट एंड टू स्पीक इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वॉन्ट, ओके, तो ये हमारा नाउन हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लेकिन इंग्लिश इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये वर्ब बन गया, ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो टू स्पीक इज वर्किंग हियर एज अ वर्ब, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो टू स्पीक वर्ब है, अब वॉन्ट वर्ब है तो टू स्पीक ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, वर्ब का सब्जेक्ट आई और वर्ब का ऑब्जेक्ट टू स्पीक, यहां पर ये टू स्पीक हमारा टू इन्फिनिटिव है, ये नाउन का काम कर रहा है, लेकिन इंग्लिश फिर से ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये हमारा वर्ब है, यानी बोलना क्या, इंग्लिश, इस ऑब्जेक्ट का वर्ब क्या है, इंग्लिश, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्पीक। तो इस प्रकार से इन्फिनिटिव कभी वर्ब का काम करता है, कभी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्रामर का काम करता है, ऑलराइट, ये आपको समझ में। तो आई थिंक दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली, कोई डाउट नहीं रहा होगा स्टूडेंट्स, काफी सारे वर्ब्स मैंने लिखे हैं, उन सभी वर्ब्स के साथ ऐसे यूज करना है। जैसे हम एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, दे गेट मी क्लॉथ्स, दे गेट मी क्लॉथ्स, यानी कि गेट का मतलब होता है कन्विंस करना, दे गेट मी क्लॉथ्स, उन्होंने, गेट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, दे गेट मी, वे मुझे कन्विंस करते हैं, गेट का मतलब होता है कन्विंस करना, समझाना, दे गेट मी, मुझे कन्विंस करते हैं, ऑप्शन ये रहा आपके पास, टू वॉश एंड वॉश, तो गेट के बाद हम हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ऑलराइट, कुछ वर्ब सिलेक्टेड एग्जाम्स सिर्फ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं।
तो गेट के बाद हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, दे गेट मी टू वॉश क्लॉथ्स, यानी कि उन्होंने खुद कपड़े वॉश नहीं किए, मुझे प्रेशराइज किया, प्रेशराइज यानी कि उनसे कन्विंस किया मुझे, फिर गेट एक ऐसी वर्ब है जो कोई प्रेशर नहीं डालते, वो सिर्फ कन्विंस करते हैं, तो दे गेट मी, उन्होंने मुझे समझाया, समझाते हैं मुझको कि मैं कपड़े धोऊं, तो ये जो मी है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ्स है, तो यहाँ ये दे ने खुद काम नहीं किया, इसको समझा के काम करवाता है, तो इस प्रकार की वर्ब हमारी पॉजिटिव वर्ब्स होती है और हम 2 plus v1 यूज कर रहे हैं, ऑलराइट। तो गेट एक ऐसी वर्ब है जहां पर सिर्फ 2 plus v1 यूज करना है, बाकी मैंने आपको जो इंपरेटिव वर्ब समझाई है, सजेस्ट है, रिकमेंड है, ऑर्डर है, वहां हम यूज कर रहे हैं विदाउट कंजंक्शन 2 plus v1, और जहां कंजंक्शन लगा दिए हम दैट, वहां सिर्फ v1 यूज करना है, ओके। तो आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है, काफी सारी वर्ब्स हैं पॉजिटिव वर्ब्स, तो पॉजिटिव वर्ब्स पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी हमने सीखा डिफरेंस बिटवीन फुल इंफिनिटिव वर्सेस बेयर इंफिनिटिव, ओके, क्या डिफरेंस रहेगा स्टूडेंट्स, कि जहां पर भी एक्शन होना बाकी है वहां हम फुल इंफिनिटिव यूज कर सकते हैं, बेयर इंफिनिटिव भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का हिंदी एक होने के बाद भी हम इनको अलग अलग यूज करते हैं। जब सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन दैट यूज होता है, जब हमारी वर्ब रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होती है, सजेस्ट होती है, कमांड होती है, रिकमेंड होती है, अप्रोच होती है, इंसिस्ट होती है, अर्ज होती है, वॉन्ट होती है, तो वहां हम ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत जो वर्ब यूज करते हैं वो हमारी 2 plus v1 रहेगी, ओके। लेकिन यदि कंजंक्शन दैट यूज किया है तो वहां हम v1 यूज करने वाले हैं। गेट एक डिफरेंट वर्ब है, गेटिंग से अलग है, गेट के बाद हम ऑलवेज 2 plus v1 यूज करते हैं। अगर यहां गेट की जगह मैं हैव यूज करता हूं, सेम रहेगा यू का यू, गेट का मीनिंग भी वही है और हैव का मीनिंग भी वही है, कन्विंस करना, तो यहां फिर हम v1 यूज करेंगे। यदि गेट यूज किया तो 2 plus v1, और यदि हमने हैव यूज किया तो v1 होगा, बेयर इंफिनिटिव रहेगा, ऑलराइट। तो इस प्रकार से हमको समझना है। वैसे ही मैं कुछ पॉजिटिव वर्ब्स जो मैंने लिखी थी अभी इसके अंदर, तो वो बता देता हूं अलग से क्या काम कर रहे हैं। जैसे मेक है हमारे पास, मेक के बाद हमेशा हम v1 यूज करने वाले बेयर इंफिनिटिव एक्टिव वॉइस के अंदर, और मेक को यदि हम पैसिव वॉइस में बना रहे हैं तो हम यहां पर 2 plus v1 यूज करने वाले हैं। अब कंपेयर है, जैसे मैंने लिखा था, फोर्स हमारे पास है, ऑब्लाइज है, इन सब के बाद हम चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, सिर्फ 2 plus v1 यूज करने वाले हैं फुल इंफिनिटिव। गेट के बाद हम 2 plus v1 यूज करेंगे, हैव के बाद हम v1 यूज करेंगे, और मेक के बाद हम v1 यूज करेंगे एक्टिव में और 2 plus v1 यूज करेंगे पैसिव के अंदर। लेकिन कंपेयर फोर्स ऑब्लाइज के बाद एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, इसमें सिर्फ 2 plus v1 यूज करेंगे, यानी फुल इंफिनिटिव यूज करेंगे। वैसे कुछ वर्ब्स और लिखे थे मैंने, उन्हीं में से बता रहे हैं, लेट के बाद हम सिर्फ v1 यूज करेंगे एक्टिव वॉइस में, और लेट के बाद हम 2 plus v1 भी यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, ऑलराइट। जैसे कि स्टूडेंट्स बिड है, बिड के बाद हम v1 यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, और बिड के बाद ही हम 2 plus v1 यूज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, ऑलराइट। हेल्प एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम v1 भी यूज कर सकते हैं, हम 2 plus v1 भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एग्जांपल देते हैं अभी आपको, कि ही हेल्प्स मी टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, ही हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करता है, ऑप्शन मिला टू लर्न एंड लर्न, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ही हेल्प्स मी टू लर्न इज राइट, ही हेल्प्स मी लर्न इज ऑल्सो राइट। हेल्प एक ऐसी पॉजिटिव वर्ब है जिसके बाद आप दोनों यूज कर सकते हो, फुल इंफिनिटिव भी और बेयर इंफिनिटिव दोनों में से कोई यूज कर सकते हो, ऑलराइट। तो ये आपको समझना स्टूडेंट्स, ये जो वर्ब है किस प्रकार का नेचर इन वर्ब का, ये सभी पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब के अंदर गेट के बाद 2 plus v1 यूज करना है, हैव के बाद v1 यूज करना है, मेक के बाद हम एक्टिव v1 यूज करते हैं, पैसिव में 2 plus v1 यूज करते हैं, लेट के बाद भी और बिड के बाद, बिड का मतलब होता है क्या देना, एक्टिव में हम v1 यूज करते हैं और पैसिव में 2 plus v1 यूज करते हैं, ओके। और जो हमने अभी लिखा कि फोर्स होता है, ऑब्लाइज होता है, कंपेल होता है, के बाद हम 2 plus v1 यूज करते हैं, और रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, ये जो इंपेरेटिव सेंस वाली पॉजिटिव वर्ब है, उनके बाद यदि कंजंक्शन दैट है तो बेयर यूज करेंगे, क्योंकि बेयर हमेशा जो है एक कार्य कंप्लीट नहीं हुआ इस सेंस को शो करता है, और इस सेंस को शो तो 2 इंफिनिटिव भी करता है, लेकिन कंजंक्शन है तो बेयर यूज करेंगे, कंजंक्शन नहीं है तो 2 plus v1 यूज करेंगे, और बेयर के साथ हम शुड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल्स हमेशा
वर्ब मूड बताते हैं और बेयर इन्फिनिटिव भी वर्ब मूड बता रहा है यानी इंटेंशन ऑफ स्पीकर, ऑलराइट। तो मॉडल्स के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स और भेजने के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है, जैसे डू के बाद, डू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, डज के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इन सब के बाद फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव है और मॉडल्स के बाद ही फर्स्ट फॉर्म आती है। यूज्ड टू को छोड़ दिया जाए और ought to को छोड़ दिया जाए, used to and ought to, यहाँ to plus v1 आता है, used plus to plus first form, ought plus to plus first form, तो used और ought दो ऐसे मॉडल हैं जिनके बाद हमको to plus v1 यूज करना है। need और dare, need और dare भी हमारे पास ऐसे मॉडल हैं जो यदि मॉडल है यानी हेल्पिंग वर्ब है तो इनके बाद हम बेयर इन्फिनिटी यूज करेंगे और यदि ये मेन वर्ब है तो इनके बाद हम फुल इन्फिनिटी यूज करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं इनका, उसके बाद टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने लिखा आई नीड नॉट गो देयर, अब नॉट से पहले नीड हेल्पिंग वर्ब है यानी कि मॉडल है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है मॉडल है कि नॉट से पहले है तो यहां फर्स्ट फॉर्म यानी कि देयर इन्फिनिटिव हो गया, ऑलराइट। जैसे मैंने कहा आई देयर नॉट गो देयर, यहाँ नोट से पहले हमारा डेयर एज ए हेल्पिंग वर्ब इसको कंसीडर करते हैं, ये हमारा मॉडल है क्योंकि नेगेटिव से पहले हमेशा हेल्पिंग आती है और गो हमारे पास बेयर इन्फिनिटी है यानी फर्स्ट फॉर्म रहेगा, बेयर इन्फिनिटी क्या रहेगा। यदि हमारा नीड और डेयर मॉडल है तो उसके बाद हम बेयर इन्फिनिटी यूज करते हैं और यदि नीड डेयर मेन वर्ब है तो फिर हम फुल इन्फिनिटी यूज करते हैं। जैसे कि आई नीड टू गो देयर, need is a main verb, finite verb, after it non-finite verb, need हमारी main verb है और to go हमारी you can say that non-finite verb है, which verb non-finite verb। अब देखिए need अगर main verb है तो हमारा दूसरा verb क्या हुआ infinitive हो गया, infinitive क्या हुआ full infinitive, I dare to go there, there is main verb है तो हमारे बाद में क्या लिखेंगे full infinitive लिखेंगे, alright। तो इस प्रकार से ये टॉपिक स्टूडेंट्स जो नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक है ये टॉपिक बहुत बड़ा है, यानी कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट का कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आप बहुत कुछ सीख गए हो, यानी कि टेंस, मॉडल्स, वॉइस, नरेशन, ये सारे टॉपिक होने के बाद ये टॉपिक समझाया जाता है और इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस आप जानते हो, यानी कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के अंदर, एक नॉलेज इंप्रूवमेंट के अंदर, इस टॉपिक के सीखने का मतलब कंप्लीट होने का मतलब यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ग्रामर का कंप्लीट होना और बहुत अच्छा नॉलेज हो जाना। तो यहां हमने सीखा बेयर इन्फिनिटिव वर्सेस फुल इन्फिनिटिव, ऑलराइट। और आशा करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स का फैसिलिटी आपके पास है, आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में डालिएगा और वहां से हम आपके डाउट्स को डेफिनेटली सॉल्व कर आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स देंगे, ऑलराइट। जो अच्छे लर्नर्स होते हैं, जो कीन लर्नर्स हैं, डेफिनेटली प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड पुट योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स, इट्स योर ओन ड्यूटी, ऑलराइट। सो फ्रेंड्स आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, बाय गाइस, गेट बेस्ट ऑफ लक एंड बी सेफ एंड विश ऑल द बेस्ट वंस अगेन।